अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी रात के 9 बज रहे हैं हमारे यहाँ, और मेरा अभी मूड हो रहा है कॉफ़ी पीने का। एक्चुअली मैं टीवी देख रही थी, टीवी पे मैं देखा कि कॉफ़ी के काफ़ी यानी कि रेसिपी आई हुई है डेलगोना कॉफ़ी की, तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाती हूँ अपने लिए, और मैं अपने लिए भी बनाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ ताकि आप लोग भी अपने घर में बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी मतलब बनती है, बहुत यमी बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। और ऐसे भी अभी सब लोग घर के अंदर हैं, तो आप लोग अपने लिए बनाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए, इंजॉय कीजिए। कॉफ़ी कम टाइम में सब कुछ आपके घर में यकीनन मौजूद होगा, तो बहुत कम टाइम में बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसके साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, तो चलिए बनाती हूँ आप लोगों के साथ डेलगोना कॉफ़ी। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से, और ये मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है, और कितना इजी रेसिपी थी इसकी, बहुत आसानी से बन जाती है। आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाइए। ऐसे भी अभी रमज़ान आने वाले हैं और सब आपकी फैमिली और बच्चे सब लोग घरों में हैं, तो आप लोग खुद भी बनाकर पीजिए, अपनी फैमिली को भी बनाकर पिलाइए, क्योंकि हर जगह कॉफ़ी हर घर में अवेलेबल होती है। चीनी, एक्चुअली चीनी हमारे यहाँ जो होती है वो बारीक होती है, तो मैंने इसलिए 2 स्पून लिए थे। आप लोग थोड़ी सी कम कर सकते हैं, अगर चीनी स्टोन वाली है तो थोड़ी सी चीनी कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चीनी जो बारीक होती है बिल्कुल ब्लेंड होती है, तो इसलिए बराबर की चीनी ली थी। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डालिएगा, तो बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी थी, बहुत अच्छी बनी है, और आप मैं इसको कॉफ़ी को एंजॉय करने लगी हूँ। और आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट्स दे दीजिए, लाइक कर लीजिए, थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि इसके साथ मुझे बड़ी खुशी होगी, और फिर मैं नेक्स्ट आपके लिए कुछ अच्छा नया लेकर आऊँगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।